हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीता एफएम में। आप सुन रहे हैं माई साइकोपैथ हस्बैंड। अश्रीका जिनके पास रह रही होती है भी, उसका एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है और उन्हें पता होता है कि अश्रीका एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर अपने ही अस्पताल में रख लेती है। अश्रीका को वहाँ पर काम करते हुए 6 महीना हो जाता है, तभी रात के 9 बजे के करीब रिसेप्शन एरिया पर टेलीफोन बज उठता है और कोई फ़ोन करके कहता है उनको एक नर्स की ज़रूरत है, कोई सीढ़ियों से गिर गया है। उस इंसान की बात सुनकर वो एरिया पर काम करने वाली लड़की हिंसा के डॉक्टर को बताती है, तो वो डॉक्टर को वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अश्रीका से कहती है कि उसे ही जाना होगा। लेकिन अश्रीका को पता होता है वो किसी मरीज को देखने नहीं जा रही, लेकिन अश्रीका को ये पता नहीं होता कि वो किसी मरीज को देखने नहीं बल्कि खुद के चार्विक को हवाले करने जा रही है। फ्लैशबैक एंड अश्रीका एक वक्त चौपर के अंदर चार्विक के गोद में लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसका चौपर एक सुनसान एरिया में लैंड करता है। रात के करीब 12 बजे एक समय मुंबई शहर से 10-12 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका जहाँ पे शायद आसपास कोई नहीं रहता। इस वक्त उस सुनसान इलाके में बस झिंगुर और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि हल्की हल्की हवा की साए साए आवाज़ उस समय उस जगह को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था और मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तूफान भी आने वाला हो। तभी सन्नाटे को चीरता हुआ चौपर वहां बने एक आलीशान से बंगले के सामने उतरता है। इसके साथ ही करीब 8 से 10 बड़ी बड़ी काली लग्जरियस गाड़ियां वहां कर रुकती है और उसमें से काले कपड़े पहने हुए ढेर सारे बॉडीगार्ड हाथों में आधुनिकतम हथियार लिए बाहर निकलते हैं और चारों तरफ से चौपर को घेर लेते हैं और फिर एक लाइन से अपना सिर झुकाकर खड़े ही हो जाते हैं। और तभी उस चौपर में से एक 30 से 31 साल का काफ़ी लंबा चौड़ा रौबदार पर्सनैलिटी का आदमी एक बहुत ही खूबसूरत 17 से 18 साल की लड़की का हाथ पकड़ कर नीचे उतरता है और ये दोनों कोई और नहीं अश्रीका और हमारे चार्विक होते हैं। इस वक्त जितना ज़्यादा खुशी चार्विक के चेहरे पर दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा मायूसी और डर अश्रीका के चेहरे पर नज़र आ रहा था। वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। वेलकम टू माय प्लस डॉल, अपनी बाहों में अश्रीका को लेते हुए चार्विक कहता है और वहीं उसके ऐसा करने से अश्रीका और भी ज़्यादा सहम जाती है और फिर चार्विक अपने बॉडीगार्ड की तुरंत इशारा करते हुए कहता है आज से ये सब तुम्हारे गुलाम हैं और इस पैलेस की रानी या यूं कहें कि महारानी हो और इन सब के साथ मैं भी तुम्हारा गुलाम हूँ। वहीं उसकी बात सुनते ही सारे बॉडीगार्ड घुटनों पर बैठकर सिर झुका लेते हैं। वहीं चार्विक की बात सुनकर अश्रीका और डर जाती है और वो रोते हुए पार्थ की तरफ देखने लगती है जैसे कहना चाह रही हो प्लीज़ मुझे बचा लो। चार्विक जब देखता है अश्रीका की नज़र उसे पर ना होकर कहीं और है तो वो उसके फेस को पकड़ लेता है और उसके गालों को दबाते हुए कहता है जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम अपनी नज़रें सिर्फ मेरे ऊपर रखा करो, नहीं तो तुम्हारी आंखें किसी और चीज़ को देखने के लिए बचेंगी नहीं। ये तुम्हारी प्यारी दो आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए है तो इनसे सिर्फ मुझे देखा करो तो फिर मैं खुश रहूँगा और तुम्हारा हुक्म हम सब की सिर आँखों पर होगा। अश्रीका को चार्विक की बाहों में ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक नाजुक सी हिरनी हो जो जंगल से भूखे शेर के सामने खड़ी है और वहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। तभी अचानक से बिजली चमकी और अश्रीका घबरा कर चार्विक के सीने से लग जाती है। चार्विक भी उसे अपनी बाहों में भींच लेता है और कहता है बस तुम इसी तरह मेरे सीने से लगी रहो और देखना एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। चार्विक की बात सुनकर अश्रीका को एहसास होता है कि वो इस वक्त उसके कुछ ज़्यादा ही करीब है, तो वो अपने आप को संभालती है और चार्विक से दूर हो जाती है। तभी अचानक चार्विक अश्रीका को अपनी गोद में उठा लेता है
और अशिका भी चुपचाप से उसके सीने पे अपना सर रख लेती है और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल लेती है। चार्विक उसको अपनी गोद में उठाए बंगलों के अंदर एंटर करता है। वो बंगला जितना ज़्यादा बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से खूबसूरत लग रहा था। उसे बंगले के अंदर हर एक चीज़ एंटीक होती है और ये दूसरा बंगला होता है। इसमें आज पहली बार अशिका आई थी। चार्विक अशिका को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और फिर वो अशिका को आराम से बेड पर बिठाता है और कहता है, ये रहा हमारा बेडरूम, तुम्हें जैसा पसंद है बिल्कुल वैसा। मैं तुम्हें ये बंगलो तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट करने वाला था, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। वैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे रखी हर एक चीज़ तुम्हारी पसंद की है। तुम्हें जैसा बेडरूम पसंद है ये बिल्कुल वैसा ही है। वो सामने का ग्लास दिख रहा है, उसे साइड करोगी तो वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। यहाँ पे पर्दे भी तुम्हारे पसंद के लगे हैं और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे टेडी बियर भी लाए हैं, लेकिन तुम उन्हें हग नहीं कर सकती हो। हाँ, तुम उनके साथ कभी भी खेल सकती हो। मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम्हें इस रूम में कुछ कमी लगे तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे पूरा कर दूंगा। अशिका एक नज़र उस बड़े से आलीशान बेडरूम को देखती है। सचमुच उस रूम को बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। उस रूम में जो जो पेंटिंग लगी होती है, वो सारी पेंटिंग इस दुनिया की एक लौती पेंटिंग थी। तभी वो चार्विक किसी को आवाज़ लगाकर अंदर बुलाता है। थोड़ी देर बाद करीब 50 से 55 साल की एक औरत और उसके साथ 22-23 साल की एक लड़की हाथों में खाने की ट्रे लिए कमरे में अंदर आती है। चार्विक उस लड़की के हाथ से खाना का ट्रे लेता है और बेड पर एक किनारे आकर बैठ जाता है और कहता है, इनसे मिलो, ये है इस बंगलों की केयरटेकर ऊषा आंटी और ये उनकी बेटी नीति है। आज से ये दोनों लोग ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और फिर वो उन दोनों को आंखों से ही बाहर जाने का इशारा करता है, जिसके बाद ऊषा आंटी और उनकी बेटी बाहर चली जाती है। और फिर चार्विक खाने का एक निवाला लेता है और वो अशिका के पास जाने लगता है। जब अशिका उसको अपनी तरफ आते देखती है तो वो डर कर पीछे खिसकने लगती है। उसकी इस हरकत पे चार्विक मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो डॉल, मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। लो खाना खा लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। इतना बोलकर वो अशिका के थोड़ा और पास जाकर निवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ाता है। अशिका भी चुपचाप उस निवाले को अपने मुंह में ले लेती है, गुड गर्ल, और दूसरा निवाला उसकी तरफ बढ़ा देता है। अशिका उसे भी चुपचाप खा लेती है। देखो डॉल, ये बंगला और इस बंगले के लोग तुम्हारे लिए ही है। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, ये लोग वैसा ही करेंगे। तुम्हें यहाँ जैसे रहने का मन है, जो करने का मन है वो सब तुम कर सकती हो, लेकिन बस यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम चाहो भी तो यहाँ से भाग नहीं सकती। वो सामने देख रही हो ये सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे लिए ही है। बाहर की ओर इशारा करते हुए चार्विक अशिका से कहता है, जहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड हाथों में गन लिए पहरा दे रहे थे। और फिर वो अशिका को अपने हाथों से पानी पिलाने लगता है, लेकिन तभी वो पानी अशिका के कपड़ों पर गिर जाता है। और जैसे ही चार्विक की नज़र अशिका के गीले कपड़ों पर जाती है, वो उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, अरे तुम तो भींग गई डॉल, मैं भी ना कि बिल्कुल पागल हूँ, ध्यान ही नहीं रहा, जाओ जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। और तुम जानती हो ना कि तुम्हें एक छींक भी आती है तो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। और फिर वो अपनी जगह से उठकर सामने का वार्डरोब खोल देता है, जिसमें ढेर सारे डिज़ाइनर सूट रखे हुए थे। अशिका भी चुपचाप बैठी सहमी नज़रों से चार्विक को ही देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो डॉल, सब तुम्हारे ही है तो है। इस साइड सिर्फ नाइट सूट है और उस साइड वेस्टर्न कपड़े हैं। तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे है, तुम बाकी बाद में चेक करते रहना, फिलहाल तुम चेंज कर लो, चार्विक फिर कहता है। अशिका चुपचाप एक कपड़ा उठाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी चार्विक अशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अशिका का सर चार्विक के सीने से लग जाता है। चार्विक अशिका की कमर पर हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब करता है और उसके होठों पर किस करने की कोशिश करने लगता है।
इस पर अश्रिका किसी तरह जैसे तैसे खुद को चार्विक से अलग करती है और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। और ऐसा करने के बाद वो खुद बहुत ज़्यादा डर भी जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, आई एम सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दिस इज़ माई मिस्टेक डॉल, अभी मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता है तुम अभी कितनी ज़्यादा डरी हुई हो। उसके बाद भी मैं तुम्हें किस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जाओ तुम कपड़ा चेंज करो, बाकी मैं इसका हिसाब मैं तुमसे बाद में कर लूँगा। और फिर वो आवाज़ लगा कर नीति को कमरे में बुलाता है और उसको ऑर्डर देते हुए कहता है, डॉल को पूरा खाना खिला कर सुला देना, और हाँ उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये भी बेडशीट गीली हो गई है, इसे भी चेंज कर दो। और फिर वो अश्रिका के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ डॉल, शाम तक लौटूंगा। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं उसके जाते ही अश्रिका बाथरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में वो वॉशरूम से बाहर आती है और चुपचाप से बेड पर बैठ जाती है। नीति अश्रिका की तरफ देखते हुए कहती है, पता है मैम, मैंने ना सर को आज तक कभी भी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा है। वो सर आपके सामने ऐसे सर झुकाकर खड़े रहते हैं जैसे वो आपका कोई गुलाम हो। यू आर द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, सच में आप ना इस दुनिया की सबसे लकी गर्ल हैं, जिसके पीछे पूरी दुनिया की लड़की पागल है, वो बस एक आपसे प्यार करते हैं। नीति की बातें सुनकर अश्रिका उसको एक फीकी सी स्माइल देती है और कहती है, हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ, तभी तो वो इंसान मेरी लाइफ में आया। सुबह 10 बजे के करीब अश्रिका की नींद खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को अनजान जगह पर पाकर एकदम से घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसको याद आता है कि उसे यहाँ पर चार्विक लेकर आया है तो वो शांत हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यहाँ पे कल देर से आई थी और ऊपर से वो सोई भी लेट थी, इसलिए आज उसकी नींद काफ़ी देर से खुलती है। इसलिए वो आराम से बेड से उठती है और सावर लेने चली जाती है। सावर लेके वो जैसे ही कबर्ड के पास आती है वो हैरान रह जाती है सामने का नज़ारा देखकर। आखिर अश्रिका ने ऐसा क्या देखा था जिसे देखकर वो इतनी हैरान हो गई थी? और अश्रिका अब चार्विक से बचने के लिए क्या करेगी? क्या वो कुछ बड़ा कदम उठाएगी या चार्विक उसे अपने पास रखने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ माई साइकोपैथ हस्बैंड। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।